हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत जैन। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। और नया ये है कि अगर आपको फ्लैट लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है या घर लेना है, तो क्या काम आप करेंगे जिससे आपका इंटरेस्ट भी कम जाए, इनकम टैक्स भी बच जाए और घर भी मिल जाए और होम लोन पर जो इंटरेस्ट है वो भी कम लगे। तो आज यही मैं एक सही तरीका बताने वाला हूँ और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा होने वाला है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाएं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये एक अच्छा मींस तरीका हो सकता है घर लेने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले जो है हमें हमारी इनकम टैक्स स्लैब जो है वो जान लेनी चाहिए। तो अभी हाल ही में जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख तक निल है और 2,50,000 5 लाख के बीच में 5% है और 5 से 10 लाख के बीच में 20% है और 10 लाख के ऊपर 30% है। तो इसके अंदर आप टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं और वो भी जरूरी है अगर आपको घर लेना है तो। ये सारी चीजें अनिवार्य हैं अगर आपको अच्छे रेट में अच्छे तरीके से घर लेना है। तो आप जो सबसे अच्छा जो तरीका है वही आज बताने वाला हूँ। और आप ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको मिलता है और 3 इयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड रहता है और 3 इयर्स के बाद आप जो विड्रॉवल अमाउंट करेंगे वो विड्रॉवल इजिली कर सकते हैं और वो आपको लोन रीपेमेंट में काम आने वाला है। मैं आगे बताने वाला हूं कैसे आप कर सकते हैं और इसके ऊपर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है क्योंकि आपने ये पहले ही डिडक्ट कर लिया है 80C के तहत और ये आपको पूरा टैक्स फ्री इनकम आने वाला है। और जो दूसरा है, आप इनकम टैक्स डिडक्शन के अंदर होम लोन पे जो इंटरेस्ट रहता है, पहले 2 लाख, पहले 1.5 लाख होता था और अभी से 2 लाख कर दिया गया है। तो 2 लाख का आपको इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलने वाला है। तो ये भी एक ध्यान में बात रखने वाली चीज है कि आपका जो EMI रहने वाला है उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट आता है, फिर प्रिंसिपल आता है, तो इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिलने वाला है। और एक चीज है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जब भी आप घर लेंगे उसके ऊपर डिडक्शन मिलने वाला है, लेकिन जब भी आप लें उसी साल के अंदर आप इसे जो स्टैम्प ड्यूटी उसी साल क्लेम कर सकते हैं और वो भी लगभग 1.5 लाख तक है। तो ये भी एक जानकारी आपके लिए जरूरी है। और जब भी आप घर खरीदें सबसे पहले एक काम ये करना है कि आपको ज्वाइंट में खरीदना है। एक ओनर बनेगा और दूसरा को ओनर को बोरोवर बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपको होम लोन में डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट पर वो आपको दोनों को मिल सकता है जॉइंटली। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपको इनकम टैक्स में भी आप शो कर सकते हो लगभग जॉइंटली 2 लाख का। एक जन के लिए डिडक्शन है तो दोनों के लिए 2 लाख रुपए डिडक्शन आप कर सकते हो। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले लीजिए ताकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा, वो लगभग 12,000 का खर्चा आएगा। तो चलिए जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपको घर लेना है उससे पहले ही 3 साल पहले अगर आपकी इनकम 5-6 लाख रुपए है तो आपको 1.5 लाख रुपया हर साल ELSS म्यूचुअल फंड में भर देने हैं। और ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 साल का इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है और आफ्टर 3 इयर्स आप ये विड्रॉ कर सकते हैं और वो भी टैक्स फ्री रहता है। उसमें रिटर्न्स भी मिलेगा आपको और वही पेमेंट जो है आप लोन के रीपेमेंट में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात आप देख ध्यान में डाल दीजिए, ELSS फंड बिफोर 3 इयर्स टू परचेज होम। और उसके बाद जब भी होम खरीदे ज्वाइंटली खरीदे और लोन भी अगर आप लेंगे तो ज्वाइंटली लोन लीजिएगा ताकि दोनों को 2-2 लाख का डिडक्शन मिल जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आपकी इनकम है 6 लाख, वाइफ की इनकम है 6 लाख, आपको लगभग 5-6 लाख की इनकम दिखानी पड़ेगी
और ईएलएसएस में आप 1.5 लाख तक भरते हो और दोनों 1.5 लाख लगभग 3 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं एवरी ईयर ईएलएसएस फंड में। और होम लोन इंटरेस्ट जो है उस पे आपको लगभग एक जने को 2 लाख रुपए का छूट मिलेगा और दो दो लाख दोनों को मिलेगा, तो दोनों आईटी रिटर्न में दिखा सकते हैं और डिडक्शन ले सकते हैं। तो आपकी इनकम हो गई 6 लाख माइनस ईएलएसएस फंड्स और होम लोन, दोनों माइनस करना है 6 लाख में से, और आपका जो इनकम बाद में बचेगा वो है 2.5 लाख, और उसपे आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2.5 लाख तक आपकी फ्री है। तो आपकी बचत कितनी हो गई वो आप देख लीजिए, अप टू 5 लाख 5% टैक्स ले बे तो 12,500 और ऑन 1 लाख 20,000, टोटल 32,500 आपकी सेविंग हो गई और आपकी वाइफ की 32,500 सेविंग हो गई, लगभग 64,500 इतनी सेविंग हो गई। और आपने लोन भी ले लिया है, ईएमआई भी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ईएलएसएस रिटर्न आफ्टर 3 इयर्स एट 8%, हमने 8% ही कम से कम चुना है। ईएलएसएस फंड 10% भी देती है, कोई 12% भी दे देती है, 15% भी दे देती है, तो मैंने लगभग 8% चुना है। और इसका कैलकुलेशन भी किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। मान लीजिए आप 1.5 लाख भरते हैं और आफ्टर 3 इयर्स आपका जो रिटर्न है कितना आता है ऑन 8% रिटर्न, तो 1.5 लाख पे 1,88,956, ये बढ़ भी सकता है रिटर्न अगर ज्यादा मिलता है। मान लीजिए अगर आपको 10% मिलता है तो आप देख सकते हैं कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये लगभग 1,99,650, लगभग 2 लाख के ऊपर मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप आफ्टर 3 इयर्स आपको मिलेंगे 1,88,000 और आपका जो प्रॉफिट होगा 38,000 का प्रॉफिट होगा। इन दोनों को आपको निकाल लेने हैं और ये आपको रीपेमेंट कर लेना है, लगभग 3 लाख रुपए रीपेमेंट आप कर सकते हैं। अगर पूरा अमाउंट करना है पूरा कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपका जो ईएमआई है वो कम हो जाएगा और इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा, आप कम इंटरेस्ट भरेंगे तो टोटल आपका जो एक्सपेंसेस हैं। तो ये है आपका होम का जो हफ्ता आप भरते हैं ईएमआई, ईयरली ईएमआई है, इसका भी मैंने कैलकुलेटर बनाया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए। मान लीजिए आपने 40 लैक्स का फ्लैट लिया है, 35,000 आपने लोन लिया है, 9% पकड़ते हैं, 8.5% से भी मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे, और 15 ईयर का आपका टेन्योर है, तो आपका जो ईएमआई बनता है 35,499 और टोटल अमाउंट आप पे करते हैं 4,25,992 और इंटरेस्ट आप पे करते हैं 3,10,305 और प्रिंसिपल आपका जाएगा 1,15,687। पहले इंटरेस्ट ज्यादा जाता है फिर प्रिंसिपल कम, फिर जैसे जैसे टेन्योर बढ़ता है वैसे आपका कम होता है। तो यहाँ पे हमने खाली प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पकड़ा है, खाली इंटरेस्ट ही पकड़ा है जिसपे हमें टैक्स सेविंग होती है और ये इंटरेस्ट हमें फिर से मिलता नहीं है, तो यही मैंने एक्सपेंस में पकड़ा है। तो आप देख सकते हैं टोटल हमारा जा रहा है एक्सपेंस है 3,10,000, वो प्रिंसिपल हमने भरा है ऊपर का, और जो इसमें माइनस करना है आपको इनकम टैक्स रिटर्न का 32,500 दोनों का, और 38,000 आपको प्रॉफिट मिलने वाला है आफ्टर 3 इयर्स, ये माइनस करना है। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट पे होगा 1,69,000, आपको ये सब बचा के इतना होने वाला है, और आपने कम से कम 1% के पीछे 70,500 रुपये बचा लिए और टोटल 1,41,000 आपने ईयरली बचाए हैं प्लस इन्वेस्टमेंट से और इनकम टैक्स से। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और आफ्टर 3 इयर्स आप ईएलएसएस जो फंड है
तीन साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद आप एवरी 3 इयर्स मीन्स 3 साल के बाद आप एवरी ईयर मीन्स 1.5 लाख रुपया प्लस जो भी उस पर प्रॉफिट होगा वो आप विड्रॉ करते जाइए और रीपेमेंट करते जाइए। तो उससे क्या होगा, इन 5 इयर्स आप लगभग 15 लाख रुपए फिर से रीपेमेंट कर देंगे आपका लोन का, और आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, टेन्योर भी कम हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो इंटरेस्ट जाने वाला था, आप 5 इयर्स में 15 भर रहे हैं, तो 15 के ऊपर अगर आप नहीं भरते हैं तो आप देख लीजिए कितना इंटरेस्ट जाता है, और लगभग जो आपका जो होम लोन है वो लगभग डबल हो जाता है 15-20 साल में। तो आपको डबल नहीं करना है, आपको कम से कम इंटरेस्ट भरना है, तो आप रीपेमेंट करते जाइए और कुछ सालों में आपका जो घर है पूरा निल हो जाएगा, और आप टोटली शो कर सकते हो कि मैंने पूरा लोन लिया है और ऐसे रीपेमेंट किया है ELSS फंड थ्रू, और सब आपने इनकम टैक्स में भी शो किया है, तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है। और आगे जाके अगर आपको बेचना है तो भी आप इसे बेच सकते हैं, कोई कुछ आपको बोल नहीं सकता है कि आपने ये घर खरीदा कैसे, इनकम टैक्स में शो है या नहीं है। तो काफी दिक्कतों का सामना आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टोटली अकाउंट से कर रहे हो, IT रिटर्न में दिखा कर रहे हो, और कम से कम इंटरेस्ट आप भर रहे हो और सेविंग भी आप कर रहे हो। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बढ़िया तरीका है घर लेने का। तो आप विचार कर लीजिए कैसे आपको लेना है। आपको ज़्यादा अगर भरना है तो आप सेविंग नहीं करेंगे तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आपका ज़्यादा जाता है, आपको प्रॉफिट कुछ होता नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट टेक्निक है जो मैंने निकाली है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और किसी को अगर घर लेना है तो आप उसे शेयर करिएगा, ताकि उसे भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो, और जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी फायदा हो। चलिए, आज मुझे इतना ही बताना था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू, और अच्छा वीडियो लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू।